दोस्तों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हॉलीवुड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ पर काम करने वाले कलाकार फिल्मों के जरिए मोटी कमाई करते हैं। फिल्मों के अलावा ये कलाकार बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन के जरिए भी कमाई करते हैं और इस वीडियो में हम बॉलीवुड इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं रणवीर सिंह। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस में शुमार रणवीर सिंह सबसे अमीर बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। साल 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले रणवीर आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार हैं। रणवीर ने गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसके बाद रणवीर की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रणवीर सिंह की नेट वर्थ लगभग 255 करोड़ रुपये है। रणवीर इस वक्त एक फिल्म के करीब 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिल्मों के अलावा रणवीर एडिडास, चिंग्स, जैक एंड जोन्स और मेक माई ट्रिप जैसी बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 9 पर हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब एक्ट्रेस में शुमार हैं। मिथुन को सबसे ज़्यादा पहचान दिलाई उनके सॉन्ग डिस्को डांसर ने। मिथुन ने 200 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मिथुन की नेट वर्थ लगभग 292 करोड़ रुपए है। एक्टर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। नंबर 8 पर हैं रणबीर कपूर। एक्टर रणबीर कपूर की साल 2007 में आई डेब्यू फिल्म सांवरिए बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद रणबीर ने अपनी स्किल्स में सुधार करके ज़बरदस्त वापसी की। उन्होंने रॉक स्टार, संजू, बर्फी और राजनीति जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया है। रणबीर इस समय एक फिल्म के करीब 25 करोड़ रुपये लेते हैं। फिल्मों के अलावा रणबीर पेप्सी, फ्लिपकार्ट, रेनोल्ट और लेनोवो जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट से भी पैसा कमाते हैं और उनकी नेट वर्थ 328 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नंबर 7 पर हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाते हैं। उनकी डांस और एक्टिंग स्किल्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऋतिक ने धूम 2, कोई मिल गया, क्रिस 3, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। ऋतिक रोशन ओप्पो, माउंटेन डियो, टाटा टैगोर जैसी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनका HRX नाम से खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है। ऋतिक रोशन की नेट वर्थ 364 करोड़ रुपए के करीब है। नंबर 6 पर हैं सैफ अली खान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। नवाब खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से सैफ अली खान अपने नवाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में उनका करियर काफ़ी सफल रहा है। सैफ अमूल, माचो, एयरटेल और एशियन पेंट्स रॉयल जैसे बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सैफ अली खान की नेट वर्थ 1100 करोड़ रुपये है। नंबर 5 पर हैं आमिर खान। मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर आमिर खान इंडिया के सबसे अमीर एक्ट्रेस में शुमार हैं। आमिर खान को दंगल, धूम 3 और 3 इडियट जैसी हिट फिल्मों ने काफ़ी पहचान दिलाई है। आमिर खान एक फिल्म के लगभग 35 करोड़ रुपए लेते हैं। आमिर काफ़ी महंगी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज, रेंज रोवर और बेंटले जैसी काफ़ी महंगी कार शामिल हैं। आमिर खान की नेट वर्थ 1600 करोड़ रुपये है। नंबर 4 पर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और अमीर एक्ट्रेस में शामिल हैं। अक्षय कुमार ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी हैं। अक्षय कुमार का हरिओम एंटरटेनमेंट के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। अक्षय कुमार कई ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करते हैं, जिनमें है होंडा, पॉलिसी बाजार, डॉलर, PC ज्वेलर और रिवाइटल एज शामिल हैं, जिनसे उन्हें मोटी कमाई होती है। अक्षय कुमार की कुल संपत्ति 366 करोड़ रुपये है। नंबर 3 पर हैं सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के तीसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर सलमान ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सलमान खान एक फिल्म के 60 करोड़ रुपए लेते हैं। फिल्मों के अलावा वह 10 का दम और बिग बॉस के होस्ट भी हैं। इसके अलावा वह थम्सअप, डिक्सी स्कॉट, ब्रिटानिया बिस्किट, माउंटेन ड्यू और सुजुकी मोटरसाइकिल जैसे बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। सलमान की टोटल नेटवर्थ 2600 करोड़ रुपये है। नंबर 2 पर हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के दूसरे अमीर एक्टर हैं। कमाई के मामले में वे आज के एक्ट्रेस को भी टक्कर देते नज़र आते हैं। अमिताभ ने शोले, जंजीर और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। बिग बी अभी भी एक फिल्म के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एक्टर के अलावा वे एक बिजनेसमैन भी है। उनका अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से बिजनेस है। अमिताभ बच्चन की टोटल नेटवर्थ 3300 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पर हैं शाहरुख खान। बादशाह शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर हैं। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हैं। किंग खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देवदास, करण अर्जुन और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी हिट फिल्में दी हैं। शाहरुख खान एक फिल्म के 40 से 50 करोड़ रुपए लेते हैं। फिल्मों के अलावा उनकी कमाई के कई सोर्सेज हैं। वे IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक भी हैं। वे पेप्सी, लक्स, हुंडई, डिश TV, इमामी, नेरोलैक जैसे बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी कमाई होती है। शाहरुख की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ग्राफिकल भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।